हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है HDFS आर्किटेक्चर। मतलब आज हम लोग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप HDFS इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। HDFS इंट्रोडक्शन के सेशन में हमने लोकल फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बीच के डिफरेंसेस को जाना, जैसा कि यहाँ ये डायग्राम दिखा रहा है। इससे हमें ये पता चला कि लोकल फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के स्टोरेज और प्रोसेसिंग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अप्रोच को HDFS में यूज किया जाता है। हडूप आर्किटेक्चर के सेशन में हमने जाना कि हडूप का आर्किटेक्चर कलेक्शन है हडूप के डिफॉल्ट मॉड्यूल्स का, जैसा कि HDFS, MapReduce और YARN। तो ये हडूप के ये सारे मॉड्यूल्स मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, जहां मास्टर नोड स्लेव नोड को मॉनिटर करता है। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, डेटा नोड, ये सारे हडूप के डेमन्स हैं। नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर और जॉब ट्रैकर, ये सारे डेमन्स मास्टर सर्वर पर रन करते हैं, जबकि डेटा नोड, नोड मैनेजर और टास्क ट्रैकर डेमन स्लेव नोड पर रन करते हैं। ये सारे डेमन्स हडूप के डिफॉल्ट मॉड्यूल्स को दिखाते हैं। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि नेम नोड और डेटा नोड रिप्रेजेंट करता है HDFS को, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर रिप्रेजेंट करता है YARN को, और जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं MapReduce को। तो ये डायग्राम HDFS के हाई लेवल आर्किटेक्चर को बताता है। आज के सेशन में हम लोग नेम नोड और डेटा नोड डेमन्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये दोनों HDFS आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मतलब हमारा HDFS का आर्किटेक्चर गूगल फाइल सिस्टम के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। गूगल फाइल सिस्टम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग HDFS के आर्किटेक्चर को समझेंगे एक एग्जाम्पल से कि HDFS में रीड और राइट ऑपरेशन कैसे होता है। तो अब तक हमने जाना कि HDFS मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और नेम नोड और डेटा नोड इसके दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। नेम नोड मास्टर की तरह काम करता है, जबकि डेटा नोड स्लेव की तरह। नेम नोड HDFS के मेटा डेटा को हैंडल करता है, जबकि डेटा नोड एक्चुअल डेटा को मैनेज करता है। यहाँ पर आप व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉक्स देख पा रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है HDFS के डेटा ब्लॉक्स को। इनपुट डेटा को छोटे छोटे फाइल चंक में डिवाइड किया जाता है, तो वो छोटे चंक्स ऑफ डेटा को बोलते हैं डेटा ब्लॉक। हडूप वन वर्जन में इन डेटा ब्लॉक का डिफॉल्ट साइज 64 MB होता है, जबकि हडूप के वर्जन 2 में ये डेटा ब्लॉक 128 MB साइज के होते हैं। एक डेटा नोड में बहुत सारे डेटा ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये ग्रे कलर का बॉक्स रिप्रेजेंट करता है डेटा नोड को, जो कि एक से ज्यादा डेटा ब्लॉक को कंटेन कर रहे हैं। इसी तरह डेटा नोड के कलेक्शन को बोलते हैं रैक, जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है। रैक 1 में 3 डेटा नोड है, जबकि रैक 2 में 2 डेटा नोड का कलेक्शन है। अब हम लोग समझेंगे कि HDFS में रीड और राइट ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो रीड या राइट ऑपरेशन के लिए क्लाइंट सबसे पहले नेम नोड को कनेक्ट करता है और मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन देता है। मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन जैसा कि कौन से डेटा ब्लॉक या फिर कौन से डेटा नोड को एक्सेस करना है रीड या राइट ऑपरेशन के लिए। ये मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन लेकर क्लाइंट जाता है डेटा नोड के पास, और इन मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन के आधार पर डेटा नोड उस पर्टिकुलर ब्लॉक से क्लाइंट को रीड या राइट करने का परमिशन देता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लाइंट को रैक 1 के डेटा ब्लॉक डी में रीड करने का परमिशन है, जबकि रैक 2 में डेटा ब्लॉक सी और डी में राइट करने का परमिशन दिया गया है। तो इस तरह से ओवरऑल HDFS मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर काम करता है। अब तक हमने HDFS में रीड या राइट ऑपरेशंस को एग्जांपल से समझा, अब हम लोग उस एग्जांपल के समरी को देखेंगे। पहला पॉइंट है, HDFS में आप राइट या अपेंड कर सकते हो, पर डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, HDFS में रीड ऑपरेशन के लिए क्लाइंट अपने नियरेस्ट वाले डेटा ब्लॉक से डेटा रीड कर सकता है, और ये परमिशन नेम नोड से मिला होता है। और तीसरा पॉइंट है, HDFS में राइट ऑपरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, जो कि ये तीनों स्टेप है, सेटअप ऑफ पाइपलाइन, डेटा स्ट्रीमिंग एंड रेप्लिकेशन, और शट डाउन पाइपलाइन, जिसे एक्नॉलेजमेंट स्टेज भी बोलते हैं। इन तीनों स्टेप्स को हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले क्लाइंट नेम नोड से कनेक्ट करता है मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन से के लिए। मेटाडेटा लेकर क्लाइंट उस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक को कनेक्ट करता है जिस पर उसे राइट एक्सेस का परमिशन मिला हुआ है। मान लेते हैं डेटा ब्लॉक ए में क्लाइंट को राइट करना है, तो क्लाइंट डेटा ब्लॉक ए तक एक पाइपलाइन सेट करता है, और उसके बाद डेटा ब्लॉक ए में डेटा राइट करता है। अब डेटा का
बैकअप रखने के लिए या रेप्लिकेशन फैक्टर मेंटेन करने के लिए डेटा को किसी दूसरे डेटा ब्लॉक में लिखा जाएगा। ये सेकेंड डेटा ब्लॉक सेम रैक में हो सकता है या फिर दूसरे रैक में भी हो सकता है। तो ये डेटा ब्लॉक ए से डेटा ब्लॉक बी के बीच और एक पाइपलाइन सेट किया जाएगा। उसके बाद डेटा को डेटा ब्लॉक बी में लिखा जाएगा। सक्सेसफुल राइट ऑपरेशन होने के बाद डेटा ब्लॉक बी डेटा ब्लॉक ए को एक सक्सेस मैसेज भेजता है, जिसे हम लोग एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। और डेटा ब्लॉक ए वो सक्सेस मैसेज भेजता है क्लाइंट को, देन अल्टीमेटली क्लाइंट सक्सेस मैसेज भेजता है नेम नोड को। ये एक्नॉलेजमेंट डेटा ब्लॉक बी से नेम नोड तक पहुंचता है। उसके बाद नेम नोड को ये कंफर्मेशन होता है कि एचडीएफएस में राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। ये ब्लैक एरो रिप्रेजेंट करता है मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन को, जो कि राइट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। और ये ग्रीन डॉटेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट मैसेज के लिए। तो इस तरह से एचडीएफएस में राइट ऑपरेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग एचडीएफएस के दोनों कॉम्पोनेंट नेम नोड और डेटा नोड को एक एक करके समझेंगे। तो पहला कंपोनेंट नेम नोड के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। नेम नोड डेमन मास्टर सर्वर पर रन करता है, इसीलिए नेम नोड एक मास्टर की तरह काम करता है और डेटा नोड को मॉनिटर करता है। नेम नोड मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है एफएस इमेज और एडिट लॉग ये दोनों फाइल में। डेटा नोड नेम नोड को हार्टबीट सिग्नल और ब्लॉक रिपोर्ट भेजता है। हार्टबीट सिग्नल से नेम नोड को ये पता चलता है कि डेटा नोड का हेल्थ स्टेटस कैसा है। डेटा नोड नेम नोड को हर 3 सेकंड में ये हार्टबीट सिग्नल भेजता है। अगर 3 सेकंड के अंदर नेम नोड को हार्टबीट सिग्नल नहीं मिला तो नेम नोड डेटा नोड को डेट कंसीडर कर लेता है और उसके जगह पर एक नया डेटा नोड लाता है। सिमिलरली ब्लॉक रिपोर्ट उस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक में कितने सारे ब्लॉक है इसके बारे में जानकारी देता है। इससे नेम नोड को पता चल जाता है कि डेटा का सफिशियंट रेप्लिकेशन मेंटेन किया हुआ है या नहीं। हार्टबीट सिग्नल कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कंटेन करता है, जैसा कि उस डेटा नोड का स्टोरेज कैपेसिटी टोटल कितना है, कितना स्टोरेज यूज किया हुआ है और कितना डेटा ट्रांसफर इन प्रोग्रेस है। ये सारे स्टैटिस्टिक्स से नेम नोड को ब्लॉक किसी भी डेटा ब्लॉक को एलोकेट करने में और लोड बैलेंसिंग करने में इजी होता है। अगर किसी डेटा ब्लॉक में डिफॉल्ट रेप्लिकेशन को मेंटेन नहीं किया गया है तो ये नेम नोड उस डेटा ब्लॉक का रेप्लिकेशन ठीक करता है। तो ये नेम नोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी डेटा के रेप्लिकेशन फैक्टर को मेंटेन करना। और लास्ट पॉइंट बताता है कि अगर डेटा नोड किसी कारण से फेल कर जाए तो नेम नोड उसकी जगह पर एक नया डेटा नोड लाता है और डेटा का सफिशियंट बैकअप रखता है। अब हम लोग एचडीएफएस के दूसरे कंपोनेंट यानी डेटा नोड के बारे में जानेंगे। डेटा नोड के क्या क्या फंक्शन है देखेंगे। डेटा नोड डेमन स्लेव नोड पर रन करता है। डेटा नोड डेमन एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है और जैसा कि हमने जाना कि डेटा नोड हार्टबीट सिग्नल भेजता है नेम नोड को हर 3 सेकंड में और साथ साथ ब्लॉक रिपोर्ट भी भेजता है। डेटा नोड क्लाइंट के साथ मिलकर एचडीएफएस में रीड या राइट ऑपरेशन कंप्लीट करता है, जैसा कि हमने कुछ देर पहले समझा। डेटा नोड में बाय डिफॉल्ट डेटा का 3 बैकअप रखा जाता है, जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर, और इससे फॉल्ट टॉलरेंस इंप्लीमेंट होता है। रेप्लिकेशन फैक्टर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेम नोड का। डेटा को कौन से डेटा नोड पर कॉपी करना है ये डिसाइड करता है हडूप का रैक अवेयरनेस एल्गोरिथम, जिसे हम लोग बाद के सेशन में डिटेल में समझेंगे। आज के सेशन में हमने फाइल सिस्टम के ओवरव्यू को देखा, मतलब लोकल फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट हमने जाना एचडीएफएस का हाई लेवल आर्किटेक्चर कैसा दिखता है और उसके बाद हमने एचडीएफएस के आर्किटेक्चर को समझा एक रीड राइट ऑपरेशन के थ्रू। हमने रीड राइट ऑपरेशन का समरी को भी देखा डायग्राम के हेल्प से। और लास्ट में हमने जाना कि एचडीएफएस के कॉम्पोनेंट्स नेम नोड और डेटा नोड के फंक्शंस क्या क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।